हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं लेकर आई हूँ पंचमेल की दाल, जो इजी है और क्विकली बन जाती है, तो जिसे मिक्स दाल भी कहते हैं। मैंने यहाँ पे लिए मूंग की दाल, जो उत्तराखंड से हैं वो पहचानते होंगे, और ये है उड़द की दाल, घौद की दाल, चना दाल, और ये है लाल मसूर। तो ये पंचमील की दाल हमने तैयार की है, इसे हम अभी पहले वॉश कर लेते हैं। देखिए, हमने इसे वॉश कर लिया है, यहाँ पर साफ करके इसे धो लिया है। तो हम इसमें ऐड करेंगे अब टमाटर और हरी मिर्च। अब ऐड कर लेते हैं मसाले। नमक, सारे मसाले अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ऐड करें। हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर, इतने ही मसाले हमने यहाँ पे लिए हैं। जब भी आपको दाल बनाने का मन ना हो, खाना बनाने का मन ना हो, थोड़ा लेजीनेस हो, या फिर आपको झटपट दाल बनानी हो, तो आप इस तरीके से बना के देखिएगा, बहुत ही झटपट ये बनती है। तो मैंने यहाँ पे डाली 2 लौंग, आपको पसंद तो डालिए नहीं तो छोड़ दीजिए। और मैं यहाँ पे ले रही हूँ गर्म पानी, क्योंकि मौसम ठंडा है और ठंडे पानी में अगर हम इसे डालेंगे तो ये टाइम लगाएगी बॉयल होने में। तो हमने गर्म पानी ऐड किया है, जल्दी से सीटी आ जाएंगी इसमें, तो हमारी दाल झटपट बन जाएगी। तो हमने यहाँ पे पानी ऐड कर लिया है। इसे मिला लिया है हमने। आप लगा देते हैं ढक्कन। कर लेते हैं गैस ऑन और कुकर को रख देंगे गैस में। कुकर रख गया है गैस में, तो अब वेट करेंगे सीटी का। इसमें मैंने 5 से 6 सीटी लगाई है। जब ऐसे उबाल आने लगे तो गैस को कम कर दें, और 1-2 सीटी आ जाए धीरे धीरे तो फिर गैस को बढ़ा लें। बहुत ही झटपट ये दाल बनकर तैयार होती है। तो हम इसका प्रेशर निकाल लिया है, तो अब हम इसे देखते हैं कि हमारी दाल गली है या नहीं। दाल हमारी गल चुकी है, तो हम तड़के की तैयारी कर लेते हैं। मैंने यहाँ पे बड़े स्पून में लिया है ऑयल, कुकिंग तेल मैंने लिया है, और यहाँ पे मैं डाली हूँ जीरा। अब ऐड करूँगी हींग। तो देखिए, हमारा झटपट तड़का भी हो गया है तैयार, हींग का तड़का। तो इसे डाल लेते हैं दाल में और झट से लगा देंगे इसमें ढक्कन, ताकि जो हींग की खुशबू है वो बाहर ना निकल सके और हमारी दाल में जो है अच्छे से मिक्स हो जाए। देखिए, हमारी दाल अच्छे से गल चुकी है। तो हमारी दाल हो चुकी है तैयार। तो आप भी ये झटपट रेसिपी को बनाइए और मुझे कमेंट करके बताइए कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं, अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन बेल को भी ज़रूर प्रेस करिएगा, ताकि मेरी जब भी न्यू वीडियो अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन आप तक तुरंत पहुँच जाए। देखिए, हमने यहाँ पे हरा धनिया गार्निश के लिए डाल दिया है, तो देखने में भी अच्छी लग रही है और खाने में भी बहुत ही स्वाद वाली ये दाल होती है। तो आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करिएगा और कमेंट करके बताइए कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। अगर ये रेसिपी आपको पसंद आई तो लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें मेरे चैनल को। मैं मिलती हूँ आपसे न्यू रेसिपी के साथ। वीडियो पर अंत तक देखने के लिए